और वो अपना रेड बॉल एंजॉय करते करते जा रहा है। कितने का टोल भैया? ले ली नूर ने बॉटल ले ली भैया से छीन। खाली खाली तो डेफिनेटली नहीं है, हमें सपोर्ट किया। गिफ्ट एरिया में जाएंगे, होटल कॉम्प्रोमाइज। कब्बू मेरी गोदी में, हम चले। हालत खराब हुई। आ जाओ। लिविंग एरिया। हाँ जी, आर यू हैप्पी दैट वी आर चेक्ड इन माय डार्लिंग? हां, मैं और सौरभ आए थे, थोड़ी तकलीफ में है। इतनी भीड़ नहीं देखी मैंने वहाँ, और हमने कैरियर भी नहीं कैरी किया। गुरु रंधावा की परफॉर्मेंस है, बट आगे तो जा नहीं पाएंगे। आगे आए तो हम लोग शिमला देखने थे, बट पहुँच गए चांदनी चौक, तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो गया बहुत ज्यादा। हमें आइडिया नहीं था कि भाई ये कोई फंक्शन वगैरह इस टाइम पे चलेगा। बट जिन दो दिन हम लोग रुके हैं उन दोनों फंक्शन है, दोनों दिन आज कोई लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, और कल सुनने में आया कि गुरु रंधावा का परफॉर्मेंस है, तो कल और ज्यादा भीड़ होने वाली है। उसी के चक्कर में लोगों ने पहले आ गए हैं कि कल मिस ना हो जाए। करेक्ट, काफी ज्यादा बंद भी है। हाँ, तो हमें तो मिलेगा गुरु रंधावा का वादियों में सुनने वाला म्यूजिक। एग्जैक्टली, बट या आज तो बिल्कुल हाल नहीं है बाहर जाने। कल सुबह शायद निकल सकते हैं हम लोग कहीं पे, बट अभी तो हालत ही खराब है। अब नूर की आवाज निकल रही है, धीरे धीरे माउंटेन एंजॉय कर रही है नूर। डाउन हिल नूर, मैं सनी देओल बन जाऊंगी तुम्हें उठा उठा के। मुझे पिस्ता नान कटाई खानी है, बोलो। पिस्ता नान कटाई फेवरेट है मेरी, और ये बेकरी बहुत फेमस है कॉम्बोमाया की। ये जो बेकरी है, अच्छा, यहाँ पे मतलब आप आउटसाइडर्स भी आ सकते हैं, जो काफी पॉपुलर है। ये टी शर्ट ठीक है, तुम टी शर्ट में रहो। आनूरा, ओ बाबा, नोज़ आ गया मेरा बेबी का। गुड नाइट भाई। अच्छा अच्छा, गुड नाइट। इधर आओ, कभी इधर आओ। गुड नाइट भाई, आई लव यू द मोस्ट भाई। आई लव यू टू नीरू। नूर भी कम नहीं है, नूर भी हमला बोल रही है कबीर के ऊपर ना करके। वो देखो 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 भाई साहब, और ये एक्शन ना मतलब नूर किसी के साथ नहीं करती, सिर्फ कबीर के साथ करती है एक्शन। मैं जैसे अपना मुंह दूंगी ना, नो मामा को कह दो, नो मामा किसी, मामा किसी, नहीं किसी को नहीं, नो भैया को कह दो, भैया भैया फेस लाओ अपना, भैया फेस लाओ। नूर भैया आ गया, भैया आ गया, भैया वो देखो ड्रैक्यूला बन जाती है भैया के साथ। तो चलो गुड नाइट। हमारे नूर बच्चे की तबीयत खराब है गाइस, तबीयत खराब में वो मैनेज कर रही है। आंख कितनी छोटी हो गई है उसकी, दिखाओ। अभी एक बार ड्रॉप्स डाल चुकी है। तो फाइनली नूर सो गई है, और अभी होटल में ना कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इतनी घर 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 की आवाज आ रही थी रात को 9:15 बजे। हालत खराब हो गई थी कॉल करके। हम नॉर्मली यहाँ पे नहीं रुकते, हम अलग अलग जगह पे रुकते हैं, थोड़ा ऑफ बीट लोकेशन में। बट द रीज़न हमने कॉम्बोमायर होटल कराया था, बिकॉज ये बिल्कुल मॉल रोड पे है, तो हमें था कि बच्चों के साथ गाड़ी नहीं निकालना होगा, यहीं से निकल के मॉल पे रिच पे चले जाएंगे। बट भाई साहब, यहाँ तो कंस्ट्रक्शन की आवाज़, मतलब इट्स टोटली डिसअपॉइंटिंग। प्लस ना 9:15 बजे कंस्ट्रक्शन चल रही है। हाँ, मेरे को 3 बार कॉल करके बताना पड़ा कि कंस्ट्रक्शन रोक दो, बच्चे की सुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों ने रोका नहीं, तो हालत खराब हो गई। गाइस, इन केस यू आर प्लानिंग टू कम हियर, प्लीज कीप दिस इन माइंड, वी वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दिस प्रॉपर्टी। ओके गाइस, तो गुड नाइट करने का टाइम आ गया है। हम लोग डिनर कर रहे हैं, डिनर में बहुत ही सिंपल रखा है वैसे, मतलब कम चीज़ें रखी हैं। एक ये सीख है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कुछ और आएगा, आया कुछ और है। और एक रोगन जोश है, आई होप ये ज़्यादा स्पाइसी ना हो, और नॉर्मल सिंपल नान है। तो गाइस गुड नाइट करते हैं, कल आप लोगों के साथ दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात करेंगे। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारी फैमिली से नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ जल्दी करिए सब्सक्राइब का बटन हिट। हम फिर से कल मिलेंगे, गुड नाइट। ओके गाइस, तो हमें लगा कि थोड़ी बातें कर लेनी चाहिए और ट्रिप के बारे में आपको बताना चाहिए। तो मानसी तुम बताओ। फाइनली पहले तो मैं व्लॉग में दिख रही हूँ, सो गाइस द रीज़न मैं कम्प्लीटली गॉन थी व्लॉग से, बिकॉज मेरी हालत ही नहीं थी लिटरली। मतलब नूर ऑब्वियसली एक तो पहला रोड ट्रिप, ऊपर से यू नो कार का एनवायरनमेंट, ऊपर से उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उस वजह से क्या हुआ कि वो इतना मेरे से बिल्कुल चिपक रही है कि बस पूछो ही मत। वो मुझे नॉन कार में भी, होटल में भी वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है, उसको बेड पे नहीं लेटना है। उसको अगर मैं दिख जाऊँ ना, तो बस उसको है कि मुझे उठा लो। तो थोड़ा हो सकता है कि बच्चे कई बार क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज से स्टिमुलेट हो जाते हैं, हैप्पीली भी स्टिमुलेट होते हैं, तो उसमें भी उन्हें लगता है कि हमें उठा लो टाइप्स ना, तो थोड़ा सा वैसा था। तो उस चक्कर में मतलब मुझे लिटरली कुछ भी करने का टाइम नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हम होटल में 2 सब्सक्राइबर्स से मिले चंडीगढ़ होटल में,
और एक ने तो मुझे मतलब शी वॉज सो स्वीट कि उन्होंने बड़े अच्छे वे में मुझे बोला भी कि मैंने कभी आपको काजल के बिना देखा नहीं है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि काजल लिपस्टिक सब कुछ मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया है. बिल्कुल यार. मैंने अपना वो मेकअप बॉक्स ही नहीं खोला जब तक हम शिमला में नहीं आए. सो आई थिंक थोड़ा सा आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है उस तरीके से. अब जहाँ तक रोड ट्रिप की बात करूँ, आज का जो शिमला वाला पार्ट था वो काफी घूमने वाला था. तो हमें एक्सपेक्टेड था कि बच्चों को वॉमिटिंग वगैरह हो सकती है. एक मिनट, उससे पहले हम ये बता देते हैं कि हमारा आइटनरी क्या था. हाँ. तो हमारे फ्रेंड्स जो थे वो हम सारे मिलके चैल में, चैल शिमला से आगे एक जगह है जहाँ पे हमने एक एयरबीएनबी बुक किया हुआ है 3 दिन 3 नाइट्स के लिए. तो सब वहाँ पे जाने वाले हैं. बट हम डायरेक्टली नहीं जाना चाहते थे क्योंकि नूर का पहला ट्रिप है और इतना लंबा ड्राइव हम लोग नहीं करना चाहते थे. हमें पता नहीं था कि नूर कैसा बिहेव करेगी, कैसा रिएक्ट करेगी. तो हमने क्या करा कि स्टॉप ओवर ले लिया. पहला स्टॉप ओवर चंडीगढ़ में, दूसरा स्टॉप ओवर शिमला. लगा कि भाई चलो लोग बच्चे शिमला भी घूम लेंगे और उसके बाद हम लोग चैल चले जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ मिल लेंगे. तो ये हमारी आइटनरी थी. उसके बाद शिमला का जर्नी आप लोगों ने देख ही लिया है कैसा गया. शिमला आई थिंक वाज एब्सोल्युटली फाइन. द ओनली थिंग वाज कि मानसी की आंख में प्रॉब्लम हो गई थी जो अब नूर को पास ऑन हो गया है ना. नूर कार सीट में बैठी नहीं बिल्कुल भी. वो सारे मेरी गोदी में ही बैठी कार सीट में. उसको बहुत एक डर सा लग रहा था. वो बैठते ही रो रही थी. तो वो सारे मेरी गोदी में आई, सोती हुई आई, खेलते हुए आई, मस्ती करते हुए भी आई और रोती हुई भी आई. वो काफ़ी रोई भी है बिकॉज ऑब्वियसली एक स्लीप टाइम होता है उसका, उसमें उसको सोना है. भूख का उसका आगे पीछे हो गया है. वो फॉर्मूला बड़ी मुश्किल से घर पर लेती है 1 फीड. तो यहाँ पर क्या था कि गाड़ी में उसको फॉर्मूला नहीं लेना था. उसको ब्रेस्ट मिल्क दोगे तो ठीक है, नहीं तो उसको फॉर्मूला नहीं लेना है. तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था बिकॉज मैं सारी फीस उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पाती हूँ. तो ये सब थोड़े इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से चंडीगढ़ वाला तो फिर भी ठीक निकल गया. शिमला वाले में काफ़ी प्रॉब्लम हुई बट ठीक है, मैनेज हो गया. द ओनली थिंग वॉज दैट उसने फीड नहीं लिया. उसने लास्ट फीड लिया था 10:30 और उसके बाद उसने यहाँ होटल आने के बाद 5:30 फीड लिया. तो मैं काफ़ी स्ट्रेस थी बट आई थिंक इट्स ओके. अगर वो फीड लेती तो शायद वो निकाल देती. बट उसने नहीं लिया तो उसकी वजह से उसको कोई वॉमिटिंग वगैरह नहीं हुई. कबीर बिल्कुल चिल्ड आउट था. उसको हमने सुबह कोई हैवी ब्रेकफास्ट नहीं कराया जिसकी वजह से जो हिल ड्राइव था उसमें उसको वॉमिटिंग नहीं हुई. सौरभ ने धीरे ड्राइव किया. जहाँ पे 3.5 घंटे दिखा रहा था वहाँ पे हमने बिना कहीं रुके ये पूरा सफर आई थिंक 4.5 घंटे, 4.5 घंटे के बीच में वो हमने जानबूझ के स्लो ड्राइव किया कि बच्चों को प्रॉब्लम हो बिकॉज बहुत गोल गोल घूमना पड़ता है. तो ये कुछ चीजें थी जिनका ध्यान में रखते हुए एटलीस्ट बच्चों का मेडिकली जो जर्नी थी वो थोड़ा ठीक निकल गई. हाँ, मतलब बच्चों की तबीयत डिटेरियरेट नहीं हुई कि हमें था कि वॉमिटिंग होगा, चेंज करना पड़ेगा. यू नो वो सब चीजें डिस्कम्फर्ट होते हैं. मुझे याद है कबीर को हम नैनीताल लेके गए थे तो उसको वॉमिटिंग हो गई थी और इतना चेंज करना पड़ा था और इतनी हमें टेंशन हो गई थी कि अब क्या होगा. बट ठीक हो जाता है. सो ये कुछ टिप्स हैं, आप भी इसे फॉलो कर सकते हो. बाकी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि नूर को वो आंख वाला हो गया है और अब लगेंगे उसको 3-4 दिन ठीक होने में. तो मेडिकेशन वाइज मैं पहले से सब कुछ कैरी कर रही हूँ. ये हैट्स ऑफ है मानसी के लिए क्योंकि मानसी ने डॉक्टर का कंसल्ट किया था अपने लिए. तो उसने प्रीएम्प्टिवली डॉक्टर से ये बता लिया था कि भाई अगर बच्चों को पास ऑन हो जाएगा तो हमें क्या मेडिकेशन लेनी चाहिए. तो हमारा क्योंकि आप हॉलीडे पे आ रहे हो ना तो इट्स गुड टू कंसल्ट आपका पीडियाट्रिशियन एंड ऑल कि भाई कोई भी दवाई बच्चों के लिए चाहिए तो आप वो प्लीज बता दो. मैं आपको मेडिकेशन बॉक्स दिखाऊंगा. हमारे 2 बड़े बड़े मेडिकेशन बॉक्स मानसी ने बनाया जिसके अंदर सब कुछ है. अगर किसी का पैर भी टूट जाए ना वो भी ठीक हो जाएगा. मानसी प्लास्टर लगा देगी. और इन बॉक्सेस के चक्कर में हम कैरियर भूल गए क्योंकि हमारे पास गाड़ी में जगह नहीं थी. तो ऑब्वियसली ये सब भी करना पड़ता है. इतना सामान है, इतना सामान है, बहुत ज्यादा सामान है. 2 बच्चे हैं तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है. 2 बच्चों की वजह से नहीं, आपके साथ एक छोटा बच्चा है तो हम लोग एक्चुअली सब कुछ कैरी कर रहे हैं. नूर का मैंने दिखा भी दिया आप लोगों को. नूर का स्टेरिलाइजर, नेबुलाइजर, स्टीमर, मतलब जो भी चाहिए आपको वो सारी चीजें हैं. हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. और अब बस इसी नोट पे हम दोनों बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं. बच्चे सो रहे हैं, हम भी 1/2 घंटे में थोड़ा रूम को क्लीन अप करेंगे और फिर हम भी सो जाएंगे और मॉर्निंग में उठेंगे. मतलब सौरभ मॉर्निंग में उठेंगे, मैं 2 बार उठूंगी रात को एंड कल के दिन के लिए प्रिपेयर रहेंगे. यस, एंड आई मस्ट से मानसी हैट्स ऑफ. और ये मैं पहले भी बोला हूँ बट टुडे आई मस्ट टेल यू, जिस तरीके से तुमने नूर को संभाला है ना बैक सीट पे इतने टाइम के लिए व्हेन शी इज अनवेल. मतलब मैं ना
ड्राइव करते करते मैं इमेजिन कर रहा था कि मैं तो कन्वीनियंट पोजीशन में बैठा हूँ यार, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कभी भी चिल्ड आउट है। नूर पूरे टाइम तुम्हारे साथ एंगेज थी यार। Actually, एक कोई आपके साथ हो ना इतने छोटे बच्चे के लिए तो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड हो जाता है, बिकॉज मुझे पंप भी करना है गाड़ी में, मुझे डायपर भी चेंज करना है, मुझे उसको सुलाना भी है, मुझे उसके साथ खेलना भी है, मतलब तो सब कुछ करना एक बैक सीट में, मतलब थोड़ा सा मुश्किल मुझे लगा, बट ठीक है, हो गया। आई थिंक पेरेंट्स को स्ट्रेंथ बच्चों को देख के आई जाती है। पेरेंट्स का तो पता नहीं मानसी, तुम्हारे अंदर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। वो बोलते हैं ना कि भाई द जर्नी वुडंट हैव बीन पॉसिबल, द जर्नी वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट यू, इन अ वे इट्स लिटरली द राइट सेइंग, टुडेज जर्नी मानसी would not have been possible without you, for sure. I will remember this video. Look at me, man. My God. I can't believe it. मुझे ना आज यहाँ शिमला में भी एक सब्सक्राइबर मिली है, उन्होंने भी बोला कि हमने तो भैया को देख के पहचाना, हमने आपको पहचाना ही नहीं। Just look at me. But I think that's part and parcel of motherhood. Yeah. There are good days and there are not so good days. Absolutely. जब आप अपने बारे में बिल्कुल ही नहीं सोच पाते हो, तो आई थिंक ये लास्ट दो दिन ऐसे ही थे। बट एनीवेज मानसी, अभी भी काफी लोग हैं जो व्यू कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए बस यही है कि सब्सक्राइब कर दो, आप भी इतनी मेहनत कर रहे हो देखने में तो सब्सक्राइब तो करके जाओ। यस गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड वी विल टॉक टू यू वेरी वेरी सून। अभी हम बिल्कुल क्रैश करने वाले हैं। गुड नाइट, बाय बाय।